नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके दोस्त डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बता रही हूं केतु ग्रह की शांति के लिए कौन सा व्रत करें और क्या दान जाप करें। मित्रों, केतु जो ग्रह होता है वो मंगल की तरह व्यवहार करता है। राहु सिर है तो केतु धड़ है। केतु में दिमाग नहीं है, ऐसा कहा जाता है केतु में दिमाग नहीं है, लेकिन दिमाग तो होगा ही, क्योंकि जो दो पार्ट डिवाइड हो गए हैं, राहु सिर है और केतु धड़ है, लेकिन दोनों अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन फिर भी केतु जो है आध्यात्म का कारक है, मोक्ष का कारक है और अपेक्षित राहु के थोड़ा सा कूल ग्रह है। केतु अचानक फल देता है जिंदगी के अंदर, अचानक से बदलाव देता है, जबकि जो राहु है वो जोड़ तोड़ वाला ग्रह है, क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह माना गया है। राहु का काम है तिकड़मबाजी करना, लेकिन केतु का काम है आध्यात्मिकता को पैदा करना। और केतु जो है मोक्ष के मार्ग की तरफ प्रवृत्त करता है इंसान को, आध्यात्मिक बनाता है इंसान को। और केतु के शुभ प्रभाव आप ले सकते हैं। केतु की शांति के लिए पहली चीज़ है कि आपको भगवान श्री गणपति की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री गणपति की उपासना करने से केतुकृत दोष शांत होते हैं। केतु का व्रत आप मंगलवार को कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो है मंगल की तरह होता है और राहु जो है शनि की तरह होता है। तो आप चाहें तो मंगलवार को व्रत कर सकते हैं, नहीं तो केतु की शांति के लिए आप गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। बेटर वैसे मंगल का ही रहेगा, मंगलवार का व्रत कर लीजिए। केतु के मंत्रों का जाप कीजिए इस दिन, और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर या किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक लाल रंग का झंडा लगा दें, पताका लगा दें। आप हमने जितने भी आपने और हमने जितनी भी जो धार्मिक पुस्तकें व्रत उपवास की किताबें पढ़ी हैं उसमें पताका का बहुत उल्लेख किया गया। पताका लगाने से केतु ग्रह की शांति होती है मित्रों। तो ऐसा झंडा जिस पर कि श्री राम जी लिखा हुआ है, वो झंडा आप लाल रंग का लेकर हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी शिव मंदिर में लगा दीजिए मंगलवार के दिन, तो केतु ग्रह की शांति होती है। केतु ग्रह के पाप प्रभाव आप पर नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको केतु ग्रह की शांति के लिए केतु का जो नग होता है कैट्स आई, उसको भी आप, मतलब हिंदी में लहसुनिया बोलते हैं, उसको आप दान दे दीजिए, मंदिर में चढ़ा दीजिए, उससे भी केतु ग्रह की शांति होती है। केतु ग्रह की शांति के लिए सप्त धान्य का दान करें, इससे भी केतु ग्रह की शांति होती है। मुंह देखने का जो शीशा होता है वो भी केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो मंदिर में चढ़ाएं या किसी को दान वगैरह देवें तो इससे भी केतु ग्रह की आपको शांति मिलेगी। इसके अलावा केतु ग्रह के मंत्र का जाप करें तो भी आपको काफ़ी शांति मिलेगी, क्योंकि किसी भी ग्रह की शांति के लिए जो आपको परेशान कर रहा है, मंत्र जाप और दान का विधान सबसे उत्तम होता है। और व्रत करके जब आप कोई दान जाप करते हैं तो वो ग्रह आपको पीड़ा नहीं पहुँचाता, कम पीड़ा पहुँचाता है। विशेष रूप से जब केतु की दशा महादशा हो तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। मित्रों, आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।